एमएसपी पर कानून समेत अपनी मांगों पर डटे किसान लगातार दिल्ली कूच की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन इन किसानों को राजधानी में घुसने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सभी बॉर्डर को सील कर रखा है। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने 40 मजदूरों से रातों रात 10 फीट की दीवार खड़ी कर दी। इसके अलावा किसानों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंगलवार को पुलिस ने आंसू गैस के गोले गिराने के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, लेकिन किसानों ने इसका तोड़ निकाल लिया। किसान 10 रुपए की पतंग से पुलिस के लाखों रुपयों के ड्रोन्स को गिराकर तहस नहस कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन का 15 फरवरी यानी गुरुवार को तीसरा दिन रहा। किसानों ने मंगलवार को दिल्ली चलो बुलाया था। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिरा रही है। ऐसे में किसानों ने ड्रोन से निपटने का जुगाड़ निकाला है। किसानों ने पतंग से ड्रोन को गिराने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ड्रोन से मुकाबला करती हुई पतंग के वीडियो भी वायरल हो रही हैं। इसके साथ ही आंसू गैस गिरने के बाद उनके असर कम रहे, इसके लिए किसान उन पर गीले बोरे डाल रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने पहरेदारी बढ़ा दी है। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने 40 मजदूरों की मदद से रातों रात कंक्रीट की 10 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी। इधर पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा के बीच दो प्रमुख सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी, जबकि उत्तर प्रदेश से लगी गाजीपुर सीमा पर सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में आवाजाही की अनुमति दी गई है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को अम्बाला के पास पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया है। मध्य दिल्ली में भी पुलिस ने संसद और अन्य संवेदनशील स्थानों की ओर जाने वाली कई सड़कों पर अवरोध लगा दिए हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब